हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट लखीमपुर खीरी यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस पर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और सभी को इस टॉपिक में प्रॉब्लम रहती ही है। तो आज आपके उस टॉपिक में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियर करने के लिए हम इस चैप्टर का पहला पार्ट लेकर के आए हैं। इस पार्ट में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में देखेंगे, उसके बेसिक्स पार्ट से और हायर लेवल पार्ट तक। तो आज के इस पहले पार्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक्स देखेंगे, जिसमें सॉल्ट्स एनालिसिस के बारे में हम लोग देखेंगे, सॉल्ट क्या है और कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट एनालिसिस नहीं देखेंगे, सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं और उसके बारे में, फिर लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर IUPAC कैसे नेमिंग कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो कंपिटेटिव एग्जाम्स हो, दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग धीरे धीरे करके इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को, इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो और इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और शेयर करिए इस वीडियो को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भी ज़रूर मेंशन करिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है लीगेंड का, जो हम लोग कल के लेक्चर में इसको देखेंगे कि लीगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, लीगेंड्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ये बड़ा टॉपिक है तो इसको हम कल सेपरेटली अलग देखेंगे। इसके बाद हम लोग लीगेंड देखने के बाद हम लोग IUPAC नेमिंग भी करेंगे, और लीगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीगेंड आपको नहीं आता है तो आप IUPAC नेमिंग नहीं कर पाएंगे, और उससे भी इंपॉर्टेंट है इसके बेसिक्स, तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है IUPAC नेमिंग। और इसके बाद ये जो तीन थ्योरीज दी गई हैं, वर्नर्स थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इस साल के CBSE एग्जाम में नहीं है, इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि जो रिड्यूस हुए सिलेबस में है उसमें से ये हटा दिया गया है, बट कंपिटेटिव एग्जाम्स में आएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। सो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट आप लोग पता ही है, सॉल्ट आपके क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे सॉल्ट होते कितने टाइप के हैं। सॉल्ट होते हैं दो टाइप के मेनली, एक सॉल्ट होता है आपका सिंपल सॉल्ट और दूसरा होता है मिक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्ट, ऐसा एक कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 हो, कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 हो, ऐसा सॉल्ट सिंपल सॉल्ट कहलाता है। यहाँ पर जैसे लिखा है कि 1 cation and 1 anion आर प्रेजेंट, तो जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, ये KCl, NaCl और Na₂, इन सभी में एक कैटायन और एक एनायन प्रेजेंट है। दूसरा अगर आप देखें, रेशियो देखें तो 1:1 का ही है। अगर आप यहां देखें, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस चीज को कि जितना कैटायन उतना ही एनायन अगर है तो उसे बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। दूसरा MgCl2, अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज और एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, क्लोरीन है कितने, दो, तो चार्ज -2, तो ये हो जाएगा यहां पर +2 और -2। इसके बाद MgBr2 के ऊपर, Mg के ऊपर +2 का चार्ज रहता है और Br2 के ऊपर -2 का चार्ज रहता है, तो आप यहाँ पर अगर रेशियो देखेंगे तो 2:2 यानी 1:1 का रेशियो आएगा, सेम हियर CaOH का होल्ड वाइज। अब अगर हम मिक्स सॉल्ट की बात करें
तो मिक्स सॉल्ट में आप सिर्फ ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक सॉल्ट है और उसका रेशियो कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 नहीं है, अगर कोई भी एक सॉल्ट उसका रेशियो 1:1 नहीं है कैटायन और एनायन का, तो वो सॉल्ट कहलाता है मिक्स सॉल्ट। जैसे यहां पर लिखा है, मोर देन 1 कैटायन और मोर देन 1 एनायन आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा या तो कैटायन प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा एनायन प्रेजेंट हैं, तो वो कहलाएगा मिक्स सॉल्ट। जैसे एल यानी फिटकरी का फार्मूला देखें तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब यहां पर आप पोटेशियम देख लीजिए और एल्यूमिनियम को देख लीजिए, दोनों प्लस के साइन है, तो इसलिए यहां पर ये एक से ज्यादा कैटायन हो गए, इसलिए ये क्या है, मिक्स सॉल्ट है। और जब हम कार्बोनिलाइट देखेंगे, KCl, MgCl2 और 6H2O, यहां पर भी पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों हैं, इस वजह से ये क्या है, एक मिक्स सॉल्ट है। मिक्स सॉल्ट को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड। देखिए, एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड, मिक्स सॉल्ट का एक दूसरा नाम है एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड। क्यों कहते हैं इसको एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड, वो देखिए, एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिक्स करते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिक्स करते हैं, उसको इवेपोरेट कराने के बाद जो कंपाउंड हमको मिलता है वो कंपाउंड कहलाता है एडिशन या मॉलिकुलर कंपाउंड। यही यहां पर लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट आर मिक्स्ड एंड देन अलाउड टू इवेपोरेट, देन एज अ रिजल्ट वी गेट एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड। पर जैसे कि यहां पर देखो, KCl एक सिंपल सॉल्ट है, MgCl2 एक सिंपल सॉल्ट है, क्योंकि यहां पर +2 का चार्ज होगा और यहां -2 चार्ज होगा, रेशियो 1:1 होगा, इसलिए ये सिंपल सॉल्ट है। और ये 6H2O जब हम मिक्स करेंगे तो ये आ जाएगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इट इज कार्नेलाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके उन प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करूंगा। अब एक एग्जांपल आपने वो देखा, दूसरा एग्जांपल आप इधर देखिए, K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस 24H2O। अब आप क्या करिए, इसको आप मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद इवेपोरेट करा दीजिए। इवेपोरेट कराने के बाद जब आप देखेंगे, कंपाउंड आपको एल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद FeSO4 प्लस NH4 का होल 2SO4 और 6H2O, इसको जब आप मिक्स करके इवेपरेट कराइए, इवेपरेट कराने के बाद आपको मुहर सॉल्ट मिलेगा। ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क्स क्वेश्चन में इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको फॉर्मूले का नाम, फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4KCN। और ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी आपको आगे मिलने वाले हैं, इसलिए आपको ये एग्जांपल्स अभी याद कर लीजिए, क्योंकि तो अभी आज के ही लेक्चर में ये एग्जांपल्स आपको एक बार और मिलने वाले हैं। कहाँ, बस देखते रहिए। FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4KCN को जब हम इवेपरेट करेंगे, मिक्स करेंगे, इवेपरेट करेंगे, तब देखिए क्या मिलेगा, FeCN का होल ट्वाइस डॉट 4CN। सेम हेयर, यहाँ पर दो सिंपल सॉल्ट हैं, सिंपल सॉल्ट को मिक्स किया मिक्स सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स किया और रिजल्ट मिक्स सॉल्ट मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जब हम एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, ठीक है। एक होता है डबल सॉल्ट, जिसको बोलते हैं लैटिस कंपाउंड, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइए सबसे पहले इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस है डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि जो डबल सॉल्ट होता है
डबल सॉल्ट और क्वाटनेशन कंपाउंड दोनों ही एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड हैं, और एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड में जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो जो सारे आयन्स को में ब्रेक हो जाए, मतलब जिस उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी आयन्स हैं वो सारे एक एक आयन्स के रूप में ब्रेक हो जाएं, तो उसे बोलते हैं डबल सॉल्ट, यानी कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाए उन आयन्स का, इस को बोलते हैं डबल सॉल्ट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंप्लीटली ब्रेक डाउन ना हो अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट स्टेबल होता है सॉलिड्स में, डबल सॉल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब उसको वाटर में डाला जाता है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में, मतलब जिससे वो बना होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल सॉलिड्स में भी होता है और साथ ही साथ एक्वस फॉर्म में भी वो स्टेबल होता है, इस वजह से ये सिर्फ सॉलिड में ही स्टेबल नहीं है, ये एक्वस फॉर्म में भी स्टेबल है। अब आप एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आप देख लीजिए, KCl.MgCl2.6H2O को जब हम वाटर में डालेंगे तो यहाँ पर ये K plus Mg plus 2 के फॉर्म में plus 3Cl minus के फॉर्म में और 6H2 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल अगर देखें, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये 2 पोटेशियम आयन प्लस 3 एल्यूमिनियम आयन प्लस 4 माइनस 2 आयन्स में ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम तीसरा देखें, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये Fe प्लस 2 NH 2NH4 प्लस और 4 SO4 माइनस 2 में ब्रेक होगा और यहाँ पर 6 मोल वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तीन एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, तो जो वहाँ पर प्रोडक्ट था उसको हम लोग ने यहाँ पर इस तरीके से करा हुआ है, तो आई होप आपको याद होगा वो। और देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये पोटेशियम है, 4 पोटेशियम आयन प्लस FeCn का होल 6, ये माइनस 4, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए हैं। ये ध्यान से देखिए आप, अगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जब इसको मिक्स करेंगे तो ये कुछ, और मिक्स करने के बाद जब हम इसको डिसोसिएट कराएंगे तो ये इस तरीके से आयन्स में ब्रेक होगा। ये KCN प्लस AgCN जब हम इसको मिक्स करेंगे और डिसोसिएट कराएंगे तो ये K प्लस और AgCN माइनस 2 के फॉर्म में ब्रेक होगा। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, एन एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल सॉल्ट। सिंपल जो स्टेबल सॉल्ट हों उनको जब हम, और या मॉलिक्यूल्स भी हों उनको क्या करेंगे, जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करना उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, एंड रिटेन दियर आइडेंटिटी इन सॉलिड्स एज वेल एज एक्वस फॉर्म, जो अपनी आइडेंटिटी सॉलिड्स और एक्वस फॉर्म में भी रिटेन कर सकें, मेनटेन रख सकें, वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसके बेसिक्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में देखा। अब कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट्स कितने होते हैं, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। शेयर तो जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री में, या आप कौन सा चाहते हैं टॉपिक जो आपको अच्छा, जो आपको कम समझ आया हो अभी तक, या कॉलेज वालों ने नहीं समझाया हो, या आपको समझना है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।